पहले इसकी खिड़कियां बंद थी, वो अब खोल दी गई है, और यहाँ पर एक गुप्त दरवाजा है। तो गाइज इस गुप्त दरवाजे में चलते हैं, काफी पुराना सिस्टम है, टूट भी सकता है, इसका कोई पता नहीं, अंधेरा है बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये है चर्च, तो चर्च के हेलो गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग्स। तो गाइज आज आपको मैं एक बहुत ही शानदार जगह दिखाने वाला हूँ, जो कि इसका काफ़ी बड़ा इतिहास है। इसको 140 साल पहले अंग्रेज़ों द्वारा बिल्ड किया गया था, जो कि आज बांदीकुई चर्च के नाम से फेमस है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको बांदीकुई चर्च। तो गाइस देखिए यहाँ कितना बड़ा ग्राउंड है, और इधर सनसेट हो रहा है, और ये है बांदीकुई चर्च। इधर देखिए सरगासूली बहुत ऊँची है, और काफ़ी बड़ी चर्च है, 140 साल पुरानी। तो चलते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह से। तो गाइज ये है चर्च, और ये इस तरह की चर्च है, और यहाँ पर काफी ज्यादा जो है अपशिष्ट पड़ा हुआ है, जो जानवर पक्षी हैं उनका अपशिष्ट है, और कबूतर भी ऊपर बहुत सारे हैं। और यहाँ पे सभा लगती थी, और ये कुछ इस अवस्था में टूट फूट हो चुका है अब तक। पहले इसकी खिड़कियाँ बंद थी, वो अब खोल दी गई है, और यहाँ पर एक गुप्त दरवाज़ा है। तो गाइज इस गुप्त दरवाजे में चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं आपको कुछ नज़ारा। यहाँ आते सीढ़ियाँ हैं, तो गाइज हम ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर पाए, क्योंकि ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, टूट भी सकता है, इसका कोई पता नहीं, अंधेरा है बिल्कुल। और ये है चर्च, तो चर्च के चारों तरफ का जो एरिया है वो भी बताते हैं आपको किस तरह से है। तो चलते हैं इधर से, एग्जिट लेते हैं यहाँ से, और ये देखिए काफी शानदार नजारा है इधर सूर्यास्त होते हुए। देख सकते हैं आप यार क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। अरे कहना क्या चाहते हो, इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 5 करोड़ देंगे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे लिए। तो गाइस देख सकते हैं आप, गाइस अभी हमें इस चर्च के पीछे की तरफ, और पीछे से देखिए आप भी ये ऐसे लगती है कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी साल पुरानी है, और इसका जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा हरे भरे घास हो रही है, क्योंकि अभी बारिश वारिश का टाइम चल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग्स गाइज, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लाइक करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल PR ब्लॉग्स को। जय हिंद।